अगर आपने अभी अभी क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास की है और अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 11 बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ना सिर्फ कोर्सेज के नाम बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी फीस कितनी है, कितने साल का वो कोर्स है। कहने का मतलब है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रेना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला कोर्स है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम में मैथ्स ग्रुप लिया था तो दोस्तों आप बीटेक कर सकते हैं, यानी कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर ले बीटेक की कोर्स ड्यूरेशन की, तो दोस्तों ये 4 साल का कोर्स होता है। और अगर हम लोग इसकी फ़ीस की बात कर ले, तो दोस्तों इसकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 से 60,000 से 80,000 रुपये हो सकती है आपकी एक साल की। 4 साल का कोर्स होता है, जो फीस है ये थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये हो गया मैथ्स स्टूडेंट के लिए। अगर आपने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम बायो ग्रुप के साथ लिया था, तो दोस्तों आप मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे MBBS कर सकते हो आप BDS कर सकते हो, यानी कि डेंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आप कर सकते हो। जितने भी मेडिकल कोर्सेज है दोस्तों, इन सब की जो कोर्स ड्यूरेशन होती है 4.5 साल एकेडमिक होता है और 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। कहने का मतलब है कि 5.5 साल का ये कोर्स होता है। अगर हम लोग इसकी फीस की बात कर ले, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप कोई भी मेडिकल कोर्स करते हो, तो दोस्तों इसकी फीस बहुत कम होती है। आपकी एक साल की फीस समझ लीजिए कि 15,000 से 20,000 रुपये, इवन इससे कम भी हो सकती है। जो अगला कोर्स है दोस्तों, यह है बी फार्मा। जी हाँ दोस्तों, बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, तो इसकी फ़ीस 15,000 से लेकर 40,000 रुपये हो सकती है एक साल की। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें, तो BSc AG यानी कि BSc इन एग्रीकल्चर, दोस्तों इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। BSc AG का कोर्स भी दोस्तों 4 साल का होता है और इसकी जो फीस होती है ये भी दोस्तों 10,000 से 15,000 रुपये हो सकती है। जो नेक्स्ट कोर्स है ये है दोस्तों LLB। अगर आपको लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों क्लास 12 के बाद आप LLB का भी कोर्स कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद अगर आप LLB करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा, जो कि होगा आपके लिए 5 साल का। लेकिन आप LLB का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, वो कोर्स आपके लिए होगा 3 साल का। दोस्तों ये मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स है। कहने का मतलब है कि इन कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम LLB इंटीग्रेटेड कोर्स की फ़ीस की बात कर ले, तो दोस्तों इसकी एक साल की फ़ीस होती है 30,000 रुपये करीब होती है। नेक्स्ट कोर्स है BSc नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नर्सिंग के फील्ड में जाना है, तो BSc नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स होता है, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये भी कोर्स आपके लिए 4 साल का होता है और अगर हम लोग इसकी एक साल की फ़ीस की बात कर ले, तो इसकी एक साल की फ़ीस भी 10,000 से 15,000 रुपये होती है। जो नेक्स्ट कोर्स है BCA। अगर आपको फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है और अगर आप BTech नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों BCA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कोर्स होता है 3 साल का, इसकी एक साल की फ़ीस दोस्तों 40,000 से 50,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा आप BBA का कोर्स कर सकते हैं, ये भी एक UG डिग्री है और दोस्तों ये भी कोर्स होते हैं 3 साल का। अगर हम लोग इसकी फ़ीस की बात कर ले, तो इसकी फ़ीस बेसिकली 5,000 से 10,000 रुपये होती है एक साल की। इतने कोर्सेज हमने जान लिए, अब आइए कुछ और कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट कोर्सेज है कि जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, BSc। जी हाँ दोस्तों, बैचलर ऑफ साइंस, आपने भी सुना होगा। ये कोर्स जनरली 3 साल का होता है। अगर इसकी फ़ीस की बात कर ले, तो इसकी फ़ीस एक साल की 4,000 से 6,000 रुपये होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा दोस्तों आप BCom कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो BA कर सकते हैं, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों इतने सारे कोर्सेज के ऑप्शन हैं आपके पास। मैंने जितने भी कोर्सेज बताए हैं, इन सभी में से कोई भी कोर्स आप कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली होगी। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी कोर्सेज की फ़ीस बताई है, ये दोस्तों एक एवरेज फ़ीस है। हो सकता है कि फ़ीस थोड़ी सी कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, तो फ़ीस थोड़ी सी कहीं कम भी हो सकती है। मैंने जितने भी कोर्सेज के नाम लिए, इन सभी के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्लास 12 के बाद कौन सा कोर्स करने वाले, ताकि और भी लोगों को आइडिया मिल सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।